लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बनाएंगे हरा भरा कबाब, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से मुंह में घुल जाने वाली। कहीं भी हम पार्टी में जाते हैं तो स्टार्टर के रूप में हम लोग हरा भरा कबाब खाना ही पसंद करते हैं। तो आज मैं बताऊंगी आप लोगों को कि घर पर ही आप कैसे हरा भरा कबाब बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो देखिए इसे कैसे बनाते हैं। हरा भरा कबाब बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम पालक को अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है। एक कटोरी ब्रेड क्रम्स है, 2 बड़ा चम्मच बेसन है जिसको मैंने रोस्ट कर लिया है, 1/2 चम्मच चीनी है, थोड़ा सा कसूरी मेथी है, 2 उबला आलू है जिसको बाद में ग्रेट कर लेंगे, 1 कटोरी मटर है, नमक स्वादानुसार रखेंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला है, 1/2 चम्मच चाट मसाला है, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता को मैंने काट लिया है, 2-3 हरी मिर्च को भी बारीक काट लिया है, थोड़ा सा अदरक को ग्रेट कर लिया है, और फूल गोभी और गाजर इसको भी ग्रेट कर लिया है, थोड़ा सा बीन्स को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। पानी को मैंने गैस पर चढ़ा दिया था, अब यह खौलने लगा है। अब इसमें पालक डाल देंगे और हरा मटर भी डाल देंगे, 1/2 चम्मच चीनी डाल देंगे, थोड़ा सा नमक 1/2 चम्मच डाल देंगे। अब इसको 1 मिनट के लिए इसमें छोड़ देंगे। 1 मिनट हो चुका है, गैस को बंद कर देते हैं। अब इसको छलनी में छान देते हैं। इसको मैंने छलनी में छान लिया है। अब इसको ग्राइंडर जार में रख के इसको ग्राइंड कर लेंगे। कढ़ाई को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है। अब इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे, 2 चम्मच। अब इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे, इसको थोड़ा चटकने देंगे। जीरा चटकने लगा है, अब इसमें हरा मिर्च डाल देंगे, अदरक डाल देंगे, थोड़ी देर के लिए इसको भून लेंगे। अब यह भून चुका है, अब इसमें बीन्स डाल देते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको भी भून लेंगे 30 सेकेंड के लिए। अब इसमें फूल गोभी और गाजर भी डाल देंगे, इसको डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, जब होटल जैसा लगता है। अब इसको भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इस स्टेज पर ग्राइंड किया हुआ पालक और मटर इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। इसको तब तक भून लेंगे जब तक यह पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए। अब यह अच्छी तरह से भून चुका है, ड्राई हो चुका है बिल्कुल। इसको ड्राई होने में 5 मिनट का समय लगा है। अब इसको एक प्लेट में पलट देंगे। अब इसमें सभी मसाला को मिला देंगे इसको। कसूरी मेथी को क्रश करके इसे डाल देंगे, आलू जो ग्रेट किए हैं उसको भी इसमें मिला देंगे, बेसन मिला देते हैं, अब चाहे तो थोड़ा सा रोट भी मिला सकते हैं, ब्रेड क्रम्स मिला देते हैं, इससे बहुत ही क्रिस्पी बनता है और बाइंडिंग भी आती है, और धनिया पत्ता, लास्ट में धनिया पत्ता भी इसमें मिला देते हैं, नमक अपना स्वादानुसार मिला लेंगे, मिर्च भी आप अपने स्वादानुसार कम या ज़्यादा मिला सकते हैं। अब इसको सबको एक बार मिला देंगे अच्छी तरह से। सबको अच्छी तरह से इसमें मिला दिया है। अब एक छोटा सा लोई काटेंगे इसको, और इसको हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, और इसको गोला बना लेंगे, थोड़ा सा इसको दबा देंगे, देखिए कितनी अच्छी बाइंडिंग आएगी, नहीं फट रहा है। बाइंडिंग आप अपने अनुसार आवश्यकता अनुसार बेसन को या क्रम्स को थोड़ा घटा बढ़ा सकती हैं, देखिए एकदम चिकना हुआ है। अब इसको अच्छा लुक देने के लिए इसमें काजू साट देते हैं, एकदम देखिए कितना अच्छा लग रहा है। दूसरा लोई भी काटेंगे और इसको भी गोला कर लेंगे, चिकना कर लेंगे, और थोड़ा सा इसको दबा देंगे, और इसको इसमें काजू साट देंगे, इससे इसका लुक बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह सारे लोई को तैयार कर लेंगे। पैन को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है, इसमें ऑयल डाल दिया था, अब यह गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब इसमें इसको कबाब को डाल देंगे, सेलो फ्राई कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, जितना स्पेस होगा उतना ही डालेंगे। अब एक तरफ से अच्छी तरह से सीख चुका है, अब इसको इसे पलट देंगे, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। फ्लेम को हाई नहीं रखेंगे, मीडियम रखेंगे, नहीं तो ऊपर से जल जाएगा और अंदर कच्चा रहेगा।
फिर दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह सिकने देंगे। अब यह दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह सिक चुका है, अब इसको निकाल लेंगे। इसको बनने में 3 से 4 मिनट तक लगता है। इसी तरह सारे कबाब को तल लेंगे और इसे सर्व करने के लिए तैयार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा हरा भरा कबाब बनकर तैयार हुआ है। आप इसे अवश्य बनाइए। देखिए कितना इजीली बन गया, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। आप सबको खिलाइएगा तो खाकर सब लोग बहुत ही खुश हो जाएंगे, बच्चे तो खास करके। तो आप इसे अवश्य बनाइए और सबको खुश कर दीजिए। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे कमेंट, लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।